सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज फेस टू फेस में मौजूद है करीमा खान। आइए उनसे जानते हैं उनके सफर के बारे में कि उनका सफर इस लाइन में कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करीमा खान। मैं यहाँ पे मुंबई में बॉर्न हुई हूँ और जैसे मैं पैदा हुई थी मेरे फैमिली ओमान शिफ्ट हो गई। सो आई हैव बीन स्कूलिंग देयर टिल द 8th स्टैंडर्ड इन इंडियन स्कूल अलगुबरा। और अभी मैंने रिसेंटली मुंबई में शिफ्ट किया है और अभी मैं 9th स्टैंडर्ड करूँगी इन फजलानी इंटरनेशनल। करीमा, आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? बचपन से मुझे डांस और सिंगिंग का बहुत शौक है। स्कूल प्लेस में मुझे हमेशा ब्राइड बनाते थे, सारा मेकअप करके लोग यूज्ड टू डांस। आई लव डांसिंग और मैं एक्टिंग भी कर चुकी हूँ। मैंने एक वेब सीरीज किया है जो अभी यूट्यूब पे है। एंड हाँ, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। करीमा, आप बैंकॉक जा रही पैजेंट के लिए, आप वहाँ तक कैसे पहुँची, आपको किसने सपोर्ट किया? सो जब मैंने मुंबई में शिफ्ट किया तो वी केम अक्रॉस अ ट्रेनर सिमरन बेक हु ट्रेन्स फॉर ब्यूटी पैजेंट्स। उन्होंने कहा कि मिस प्रीटिंग के लिए यू कैन पार्टिसिपेट। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अभी बैंकॉक जाएंगे, वहाँ पे पैजेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आई वुड लाइक टू एक्सेप्शनली थैंक मिसेस रजनी सुब्बा हु हैज given me this prestigious platform to showcase my talent. I feel extremely blessed that I got this opportunity to represent my country India on such a big prestigious platform in Bangkok, and I hope I do really well there and make my nation proud. Karima, agar aap wo pageant jeet ke aati hain to aapki aane ke baad kya kya planning rahegi? Agar main wahan se jeet ke jaati hu, fingers crossed, to main charitable work karungi. Saath saath I will be continuing with my studies और मैं अपने हॉबीज़ भी परस्यू करूँगी अलॉन्ग विथ पैजेंट्री। और मैं एक्टिंग भी करना चाहती हूँ इन फ्यूचर। सो दिस विल जस्ट बी लाइक अ वे फॉर मी टू मेक माय नेम इन द इंडस्ट्री। बाकी आप वहाँ से आने के बाद चैरिटी भी करना चाहेंगी, तो ये चैरिटी की प्लानिंग माइंड में कैसे आई? एक्चुअली मेरी मॉम ने हमेशा सिखाया है टू ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, और उन्होंने बहुत मॉरल वैल्यूज डाले हैं मेरे अंदर टू ऑलवेज बी अ गिवर। सो बचपन से आई हैव ऑलवेज बीन सेविंग माय पॉकेट मनी और मैं डोनेट करती हूँ। सो वो ही आई विल कीप कंटिन्यूइंग। करीमा, आपने जैसे कि कहा आने के बाद आप एक्टिंग भी करेंगी या जो भी आपको प्रोग्राम मिलेंगे आप वो भी करेंगी, तो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी तरह आप बनना चाहती हैं, जिसे देख के आप कुछ सीखती हैं? बचपन से मैंने मूवीज देखी है करीना कपूर की, और मेरे स्कूल में भी मुझे मिनी करीना कपूर बोलते हैं। सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आपको करीना ही क्यों पसंद है? फिल्म इंडस्ट्रीज में तो कंगना रनावत भी है, दीपिका पादुकोण भी है, तो ऐसा उसमें क्या है? ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट आई पर्सनली लाइक करीना कपूर क्योंकि शी इज़ लाइक एन इनबिल्ट एक्ट्रेस। उनकी एक्टिंग अंदर से आती है, दिल से जैसे बोलते हैं लोग। एंड आई लव हर वर्क इन 3 Idiots और एक मूवी थी अशोका, विच हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी। वो प्रिंसेस बनी थी एंड मैं उनकी डायलॉग्स लेके मिरर में देख के एक्टिंग करती हूँ बचपन से, मुझे शौक है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक हर, शी इज़ वेरी ग्रेसफुल। करीमा, आपने पैजेंट के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होगी? आई वुडंट कॉल इट चैलेंजेस, ये हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है। सो आई वुड रादर कॉल इट हार्ड वर्क। एंड इसमें सिमरन बेक ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी ट्रेनर ने। शी हैज़ टॉट मी एवरीथिंग from ramp walk to question answer round to talent round, she has taught me everything, and I feel I am groomed enough that I will be able to face the challenges in Bangkok and make my country proud. करीमा, आपको अपनी फिटनेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी तो आई वॉज मोर देन माई वेट राइट नाउ। आई हैड टू एक्सरसाइज डेली, मुझे डाइट प्लान सजेस्ट किया गया था विच डिडंट हैव अ लॉट ऑफ कार्ब्स, एंड मुझे जल्दी उठना पड़ता था हर रोज़, एंड मुझे 45 मिनट्स वर्कआउट करना पड़ता था सुबह और शाम को। सो दैट इज़ बेसिकली माय फिटनेस रूटीन जो मैं फ्यूचर में भी फॉलो करूँगी, एंड हैविंग अ हेल्दी डाइट इज़ द नेम ऑफ द गेम। करीमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और मेरी बहुत सारी विशेज़ है कि आप इंडिया का नाम रोशन करें, वहाँ से विनर बन के आए। तो ये थी हमारे साथ करीमा खान जो फेस टू फेस में मौजूद हैं, और इन्होंने अपने बारे में हमें बताया है कि वो प्रेजेंट में क्या क्या करने जा रही हैं। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपसे मैं फिर मिलूंगी।